मैडम एंड दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर श्याम गोलो फिर से एक बार आपका इस ट्रेनिंग सेशन में स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ हैं और आप अपने साथ अपने परिवार का यानी घर का परिवार और एमसीएल का परिवार दोनों का ख्याल रख रहे हैं। मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग एक घंटा बहुत अच्छी एक्सरसाइज कर रहे हो, अपने हार्ट अपने लंग को मजबूत कर रहे हो और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा रहे हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन के साथ। दोस्तों आज परिस्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है, इतनी खराब हो चुकी है कि हमें एक्चुअल में क्रांति करनी पड़ेगी, रिवोल्यूशन करना पड़ेगा। लाखों करोड़ों लोगों को एक साथ मिलके ये पूरी जो परिस्थिति है उसको पूरी तरह से बदलना पड़ेगा। क्या आप सोच सकते हैं कि हर दिन 150 से लेकर 200 जीव हमेशा के लिए लुप्त हो रहे हैं? ऐसे जीव जो करोड़ों सालों से यहां रह रहे हैं और करोड़ों साल से धरती माँ इनका ख्याल रख रही है, वो हमारे कारनामों से हर दिन 150 से 200 लुप्त हो रहे हैं। और ये तो हमारा तब अनुमान है जब मनुष्य को सिर्फ 20% 20 भी नहीं उससे कम दुनिया के बारे में पता है। साइंटिस्ट कहते हैं कि हमें 80% दुनिया 80% जीव के बारे में पता ही नहीं है। तो ऐसी गंभीर परिस्थिति जब हमने तैयार करके रखी है कि पूरी दुनिया धीरे धीरे करके खत्म होने जा रही है, तो इस परिस्थिति को अगर रोकना है, इस सारी चीजों को थमाना है, इन सबका ख्याल अगर रखना है, तो हमें सिर्फ और सिर्फ करनी पड़ेगी क्रांति। उसके अलावा दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। और जब भी मैं क्रांति की बात करता तो क्रांति का मतलब क्या है? तो क्रांति का मतलब यह नहीं कि हमें सिर्फ सड़कों पर आना है, आंदोलन करना है, उस तरह की क्रांति नहीं। जब भी हम क्रांति की बात करते तो क्रांति का एक ही मतलब, एक ही अर्थ हमारे सभी फैमिली के लिए है और वो है मैक्सिमम बिजनेस। दोस्तों ऑलमोस्ट अभी 23 साल हो गए हम इस ये काम कर रहे हैं। हम सभी प्रमोटर जो है वो पहले दिन से इसीलिए इस कार्य की शुरुआत की थी कि हमें इस दुनिया को बचाना है, धरती माँ को बचाना है, इस ग्लोबल वार्मिंग को रुकाना है। एमसीएल डे वन से नहीं चालू की थी हमने। एमसीएल की शुरुआत तो 10 साल पहले हुई है, लेकिन इतने सालों में काम करने के बाद हमें एक ही पता चला है कि अगर कोई तरीका है इस पूरे चीज को रोकने का, इस संकट को रोकने का, हमारी धरती माँ को बचाने का, तो एक ही तरीका वो है बिजनेस। दूसरा कोई तरीका ही नहीं है। मैक्सिमम बिजनेस करें, मैक्सिमम इस क्लीन फ्यूल्स को निर्माण करें और ये जो फॉसिल फ्यूल का व्यापार चल रहा है उसको पूरी तरह से खत्म करें। अभी इतने सारे एनजीओज, हजारों एनजीओज काम कर रहे हैं पूरी दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग के लिए, इस दुनिया के लिए, धरती माँ के लिए, करोड़ों लोग उसमें शामिल है और कितने दिनों से कर रहे हैं, कई सालों से कर रहे हैं। क्या उसका इफेक्ट हो रहा है? एवरी डे हर साल इसका जो उपयोग है, कोयले का उपयोग बढ़ रहा है, हर साल कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन बढ़ रहा है, जो भी हमारे पास संकट है वो और ज्यादा गहरा होता जा रहा है। तो जो एक्चुअल में क्रांति करनी है, जो एक में तरीका है इस सब चीजों को रोकने का, वो एक ही है कि हमें मैक्सिमम करना पड़ेगा बिजनेस। और दोस्तों अगर मैं तहसील की बात करूं ना, तो तहसील में भी आपको सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि हमें तहसील में 100% जितना भी पोटेंशियल है, कोई अगर फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल कर रहे तो जब तक वो एक आखिरी व्यक्ति, एक आखिरी कॉर्पोरेशन संस्था जब तक फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल करे तब तक हमें रुकना नहीं है। मैक्सिमम जो बिजनेस पोटेंशियल है हमारे यहाँ वो करना है। आपको ऐसा लगेगा कि हमारी इन्वेस्टमेंट इतनी हो चुकी है, हम 1.5 लाख रुपए भर के आ गए, तो अगर 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख अगर हर महीने के मिलते रहेंगे तो कितनी अच्छी बात है। तो शायद आपको लगेगा कि नहीं, बस भाई मुझे जितना चाहिए था, जो लक्ष्य मैंने अपने लिए सोचा था वो मैं लेके आया हूं, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन दोस्तों ये बिजनेस, ये टारगेट, ये मुझे इतने मिलने चाहिए, कि इसकी बात ही नहीं है। जितने भी पैसे अपने अभी तक इसमें लगाए होंगे, जो करे होंगे ना, कि इसके मल्टीपल में शायद कई 2, 3, 4, 5 गुना आपके हर महीने मिलेंगे आपको, लेकिन वो हमारा उद्देश्य है ही नहीं। जिस सेक्टर में हम सभी लोग काम कर रहे हैं, सबसे ज्यादा रेवेन्यू सिर्फ उसी सेक्टर में है, लेकिन हमारा लक्ष्य वो है ही नहीं। हमारा लक्ष्य वो है कि हमें तब तक नहीं रुकना है जब तक पूरा पोटेंशियल, हर एक इंच धरती पे कुछ ना कुछ हमने उगाना चाहिए, उसके वजह से हमारे लोगों को, हमारे किसानों को और हमें भी फायदा होना चाहिए, तब तक नहीं रुकना है। हमें ये जो काम करना है एब्सोल्युटली एक आंदोलन, एक क्रांति जैसा काम करना है।
ये जो संकट को अगर थमाना है, हमारे ये जो जो कार्य हमारा चल रहा है उसका किसी बिजनेस के साथ हम कंपेयर ही नहीं कर सकते कि आज पिछले साल इतना टारगेट हुआ है, इतना हमने ग्रोथ की है, पिछले साल इतने करेंगे, ऐसे ऐसे करते हम बढ़ेंगे। ये ऑर्गेनिक ग्रोथ, या ये जो लोग बोलते हैं ना मुझे कि क्यों इतने सारे प्रोजेक्ट एक साथ करने हैं, अगर अगर आपने पहला सीएनजी का प्रोजेक्ट लगाया, ये लगाया, तो ऐसा करते पहले 10 लगाते हैं, 20 लगाते हैं, क्यों इतने सारे प्रोजेक्ट करके हम क्या, इतना क्या करने की जरूरत है, ऐसा मुझे भी बोलते हैं लोग। लेकिन ये सब जो काम हम लोग कर रहे हैं बिजनेस के लिए कर ही नहीं रहे। इतने बड़ा संकट, इतनी बड़ी पूरी दुनिया जब खत्म हो रही है, कैसे चुप बैठे हम? अभी हमने सबने मिलके कोरोना को हराया, 2 साल, 2 साल हमने मेहनत की उसके ऊपर। कभी ऐसा किया क्या कि 1,000 अगर पेशेंट है वहां तो 600, 700, 800 लोगों का हम लोग उसको ठीक करते हैं, बाकी 100, 200 रहे तो क्या फर्क पड़ता है? ऐसा कभी सोचा कोरोना के बारे में आपने? कभी नहीं। आखिरी पेशेंट को अच्छे करने तक हमने काम किया। पोलियो को पूरी दुनिया से, भारत से हमने एलिमिनेट किया, निर्मूलन किया उस पोलियो का। जब तक आखिरी पेशेंट, आखिरी भी कोई पोलियो का है, उसको ढूंढा, उसके ऊपर काम किया, और उसके ऊपर कई साल तक, जो 5 साल के जो बच्चे हैं, उसके भीतर के बच्चे हैं, साल में दो दो बार उसको वैक्सीनेशन दिया कई साल तक, और इस तरह से हमने पोलियो का पूरी तरह से निर्मूलन किया। तो अगर इस दुनिया को भी इस ग्लोबल वार्मिंग से बचाना है तो हमें तब तक काम करना पड़ेगा जब तक एक सिंगल आदमी भी फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल कर रहा है, या सिर्फ फॉसिल फ्यूल की, हर कोई वो चीज जो आज इस दुनिया को बर्बाद कर रही है, उस तरीके से एब्सोल्यूट काम करना पड़ेगा हमें आने वाले दिनों में। या अभी से जो भी बिजनेस करने पड़ेंगे ना, वो एक क्रांति जैसे, रिवोल्यूशन जैसे काम करना पड़ेगा। हम तब तक नहीं रुक सकते जब तक कोई भी आदमी फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल कर रहा है। हम तब तक नहीं रुक सकते जब तक कोई भी आदमी ये केमिकल की, कैंसर की खेती कर रहा है और लोग उसको खा रहे हैं। हम तब तक नहीं रुक सकते जब तक कोई भी ऐसी चीज तैयार हो रही है और उसका, उसके उपभोक्ता है, कि जो चीज आने, आई मीन जो चीज इस दुनिया को, पृथ्वी को, जमीन को खराब कर रही है। और दोस्तों, जब भी कोई मूवमेंट होता है, आंदोलन होता है, तो वो मूवमेंट, अभी तक आप जिस मूवमेंट के बारे में अगर जो आज देख रहे होंगे, तो क्या होता है कि कुछ लोग होते हैं जिनकी कुछ समस्या होती है, जिनकी कुछ मांगे होती है, और जिसके लिए फिर वो रास्ते पे निकल आते हैं, फिर गवर्नमेंट के पास जाते हैं, किसी कलेक्टर के ऑफिस के पास जाते हैं, और तब तक धरना देते हैं जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती। तो हमारा भी ये जो मूवमेंट है, ये मूवमेंट, ये आंदोलन जो है, ये प्रॉपर स्पेसिफिक कुछ लक्ष्य को लेके है। और वो लक्ष्य क्या है? तो हमारे वो लक्ष्य 5 E है। पहला ही क्या, तो एनवायरमेंट, पर्यावरण। हम तो पूरी तरह से 100% डेडिकेटेड है हमारी इस मां के लिए, इस पर्यावरण संतुलन के लिए, और जो भी काम करना पड़े ना वो करेंगे। यानी ये इस सेक्टर में काम करेंगे, उस सेक्टर में, ऐसे सोच के नहीं आए थे हम। हमने बायोफिल से शुरुआत की, लेकिन हम अभी ऑर्गेनिक फार्मिंग में, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स में, और हर वो काम करेंगे जो जरूरत पड़ेगी, जो जरूरत पड़ेगी, जो धरती माता को, इस पर्यावरण को बचाने के लिए जरूरत है, वो पूरा काम करेंगे। तो पहला जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट अगर कुछ लक्ष्य है, तो वो है हमारी इस धरती माँ को बचाना, पर्यावरण को बचाना। पहला ही एनवायरमेंट, दूसरा ही एनर्जी इंडिपेंडेंस, हमारे देश के लिए इस ऊर्जा और ईंधन के लिए स्वयं पूर्णता। अभी देखिए, जो भी हमारा बिजनेस ट्रेड है, हमारे देश का दूसरे देशों के साथ जो भी आदान प्रदान या बिजनेस है, हम निगेटिव में, हम ज्यादा बाहर से मंगाते, आयात करते और कम निर्यात करते। इसका कारण एकमेव है ये ईंधन और ऊर्जा। हमारा 30% जो बिल है, इंपोर्ट बिल, वो उसके लिए चला जाता है। 30%, ये एक ही बिल अगर हमने खत्म कर दिया, तो हमारा ये जो बिजनेस है, ये बहुत पॉजिटिवली तो जाएगा ही। लेकिन सोचे, ये पूरा पैसा जो आज हम लोग बाहर दे रहे हैं, किसानों को देंगे, तो कितना बड़ा बदलाव होगा हमारी इकोनॉमी। तीसरा ही हमारा है एम्पावरमेंट, सक्षमीकरण। किसका? तो हमारे किसानों का। ये जो मैडम ने अभी बताया, और हमेशा सदियों से लेकर 90% ऑफ द टाइम हम दुनिया के सबसे बड़े अर्थव्यवस्था थे, तो किसानों के बलबूते पे। आज भी, अभी कोरोना में 2 साल में हमारे मैन्युफैक्चरिंग, बाकी के सभी सेक्टर कम थे, लेकिन हमारे जीडीपी को, हमारे भारत के देश के
इकोनॉमी को अगर किसी ने सहारा दिया इस 2 सालों में तो वह एग्रीकल्चर। और आज भी वो परिस्थिति है, आज भी अगर हमने किसानों का ख्याल रखा, उनके हाथ मजबूत किए, तो दोस्तों हम फिर से वो इकोनॉमी बनाएंगे। तो तीसरा ही है हमारे किसानों का सक्षमीकरण। चौथा ही क्या, एम्प्लॉयमेंट। हमारे गांव में रहने वाले, तहसील में रहने वाले किसी को भी अपना गांव छोड़कर जाने की जरूरत ही नहीं, इतने एम्प्लॉयमेंट का निर्माण करेंगे। अभी आप सोचोगे कि कैसे संभव है, इतनी सारी आबादी है, हम तो बस अभी दुनिया की सबसे बड़े आबादी वाले देश होने वाले हैं। बहुत सारे लोग तो ऐसे बोलते हैं कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम अगर देश में कुछ है तो इतनी बड़ी आबादी है, लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसा। मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ी ताकत है। आज जो भी काम हम करने वाले हैं उसमें सबसे ज्यादा जो मैन पावर लगने वाली है वो हमारे पास है, स्किल्ड मैन पावर है, और इसके साथ हम अपने देश को वहां तक लेके जाएंगे। ये सभी आबादी, ये सभी जो लोग हैं, ये हमारी सबसे बड़ी ताकत है, ये हम लोगों को दिखाएंगे। और पांचवा ही जो है वो है इकोनॉमिक मूवमेंट। हर कोई परिवार जो आज हमारी तहसील में रहता है, हर परिवार के लिए एक सम्मानपूर्वक, एक सम्मानजनक ऐसा इनकम मंथली और वो हमेशा के लिए सस्टेनेबल मिलना चाहिए, ये हमारा आखिरी लक्ष्य है और बहुत जरूरी है। क्योंकि कई सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत सेंसिटिव, जो इस तरह से रह रहे इस कंडीशन में कि जिनका ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है। अभी देखे ना, आदिवासी हजारों सालों से आज उस जंगल में रह रहे हैं, उस जंगल को हम नुकसान कर रहे हैं, लेकिन दोष कभी कभी उन पे डालते हैं दोस्तों। लेकिन उसी फॉरेस्ट में अगर आप देखोगे तो कुछ ऐसी चीजें मिलती है, सुपर फूड मिलते हैं, कुछ ऐसी दवाएं मिलती है जो पूरी दुनिया में जाके बेच सकते हैं। एक्चुअली ऐसी मिराकुलस ऐसी दवाई बनती है। हमारा हिमालय देखोगे तो हिमालय के बेस में भी कई सारी ऐसी प्रजाति है जो दुनिया में कहीं नहीं मिलती, सिर्फ वहां हमारे यहाँ मिलती है, नॉर्थ ईस्ट में वो परिस्थिति। तो ये सभी जो वहां जिस जंगल में रह रहे हैं क्या कर सकते हैं, कुछ बायोमास का उत्पादन कर सकते हैं, कुछ ऐसी चीज कर सकते हैं जिसको हम लोग बेच सकते हैं, कुछ एनिमल हस्बेंड्री कर सकते हैं, जो कुछ है। लेकिन हमारा जो लक्ष्य रहेगा कि हम हर फैमिली को, हर परिवार को एक सम्मान का जो इनकम होना चाहिए हर महीना वो देंगे, ये हमारे लक्ष्य। और दोस्तों मैं आपको बोलना चाहता हूं कि आने वाले दिनों में हमें सिर्फ दुनिया को बताना है कि हम किस लिए एग्जिस्ट करते हैं, क्यों है हम लोग, क्या उद्देश्य, क्या मकसद से हम लोग ये सब कुछ कर रहे हैं जो कर रहे हैं, क्या मकसद से जो भी हम लोग कुछ डिसीजन लेते हैं वो क्यों लेते हैं, वो लोगों को सिर्फ पता चलना चाहिए अच्छी तरीके से। और बस एक बार उन्हें हमें हमारी हमारी ये जो उद्देश्य है अगर उनको पता चला तो वो फिर हमेशा के लिए हमारे साथ रहेंगे। क्योंकि करोड़ों लोग हैं यहाँ इस दुनिया में जिनको पता है इस प्रॉब्लम्स के बारे में, संकट के बारे में, लेकिन उनको ये पता नहीं कि क्या करना होगा, मैं कैसे इसके लिए कॉन्ट्रीब्यूट करूं, किस तरह का रोडमैप होगा, क्या कर सकता हूं मैं। और अगर हमने ऐसे कुछ ऑक्यूपेशन और ये जो हमारा उद्देश्य है इनका अगर हमने जोड़ किया तो कितने सारे लोग हमारे इसमें शामिल हो सकते हैं और होने वाले हैं। दोस्तों हमें आने वाले दिनों में बिजनेस सिर्फ और सिर्फ आंदोलन जैसे करना है, आंदोलन। कोई भी व्यक्ति अगर फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल कर रहा है तो 100% उसको रिप्लेस करना है और तब तक नहीं रुकना है। पता है कि अभी जो कुछ अभी इस ऑयल एंड गैस में है, हम हमेशा इसकी चर्चा करते हैं, ये बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स ऐसा सिस्टम है। ऑयल एंड गैस में इतनी सारी इन्वेस्टमेंट होती है कि उसमें वहां के गवर्नमेंट से लेके ऑफिशियल से लेके ग्राउंड के लोगों से लेके इतनी बड़ी व्यवस्था है, उनका भी पेट नहीं बोल सकता हूं मैं, लेकिन उनके प्रॉफिट सब कुछ है उसमें। दोस्तों तब तक नहीं रुकना है जब तक सबको ये समझ में आए कि हम लोग जो काम कर रहे हैं ना वो उनके लिए भी कर रहे हैं, उनके जो भी बाल बच्चे हैं, परिवार है आज जिनके लिए इतना पूरा संकट सबके सामने है, उनके भविष्य के लिए भी कर रहे हैं। तब तक नहीं, ये शुरुआत में ना बोलेंगे, कुछ ना कुछ आपको एक्सक्यूजेस देंगे, रीजंस देंगे, तब तक नहीं रुकना है जब तक आखिरी आखिरी इंसान कुछ ना कुछ वो फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल कर रहा है। और हर एप्लीकेशन में, यानी ट्रांसपोर्टेशन है, कुकिंग है, इंडस्ट्रियल है, पावर, इलेक्ट्रिसिटी निर्माण, ये चारों एप्लीकेशन में जब तक आखिरी आदमी कोई ना कोई फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल कर रहा है तब तक हमें रुकना नहीं है इस तरह का ये मूवमेंट करना। क्योंकि दोस्तों लोगों को पता ही नहीं है क्या हो रहा है, यानी एमको लेके किसी के दरवाजे पे जाके, ये जो ट्रेडिशनल अगर आप मार्केटिंग की बात करें वैसी बात ही नहीं है। कैसे कैसे हम लोग ऐसे
ट्रेडिशनली सोच सकता है कि मुझे एमकोल के लिए ऑर्डर्स लाने। ये क्या ऑर्डर्स, पूरी दुनिया यहाँ जल रही है और दुनिया जलाने का अगर हम लोग दवाई लेके मार्केट में है, इतने सारे लाखों लोगों के साथ हम वो उतनी कैपेसिटी तैयार करके दुनिया को बचाने के लिए काम कर रहे हैं, तो सवाल ही नहीं आता।